नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आज मैं एक बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी जो बनाना बेहद ईजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए 4 अंडे ले लिए और 1 आलू, और इसी में डाल देंगे आधी चम्मच के करीब नमक और इसे उबलने के लिए चढ़ा देंगे गैस के ऊपर। चलिए इसे चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर, इसे उबलने देते हैं। देख सकते हैं अंडा और आलू दोनों उबल चुका है, अब इसे छील लेंगे। चलिए इसे उतार लेते हैं गैस से, उसके बाद इसे छील लेंगे। देख सकते हैं अंडा कितना आराम से छिल जाता है। अगर उबलते वक्त आप आधी चम्मच नमक डाल देंगे तो अंडा का छिलका बहुत आराम से उतर जाएगा। साथ ही एक बात का ख्याल रहे, अंडा लेते वक्त अच्छा अंडा ले, क्योंकि अगर ख़राब अंडा रहेगा तो नमक डालने के बावजूद भी फट जाता है। देख सकते हैं आलू उबाल लिए हैं और अंडा भी उबाल छील लिए हैं, इसे रखते हैं एक साइड में। अब यहाँ देख सकते हैं चावल, बिरयानी चावल यानी कि बासमती चावल लिए, इसे धो लेंगे अच्छी तरह से और ये थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए डूबे रहने देते जब तक ये मसाला वगैरह फ्राई करते हैं, तब तक इसे डूबे रहने देते। ज़्यादा देर तक डूबे रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में डाल देंगे 3 से 4 चम्मच तेल और इसमें डाल देंगे छिला हुआ उबला हुआ अंडा। इसे फ्राई कर लेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि इस पर एक गोल्डन एक कलर आ जाए। इसी में डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। इसमें थोड़ा सा अच्छा कलर भी आ जाएगा, साथ ही साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हो जाता है, अंडे पर चढ़ जाता है। इसी तरह जब फ्राई करें तो नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दे देंगे तो अंडा पे एक अच्छा सा कलर कोटिंग हो जाता है, इसमें एक अच्छा सा कलर और साथ में टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसी में वो फ्राई कर लेते हैं आलू, उबला हुआ आलू, इसे भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आलू भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसे निकाल लेते हैं। और इसमें डालेंगे हम खड़ा गरम मसाला, जैसे देख सकते हैं 10 से 12 काली मिर्च है, दालचीनी है, 3 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है उसे तोड़ के डालेंगे, 1 लाल मिर्च है उसे भी तोड़ लिए और जीरा है। सभी को डाल देते हैं गरम तेल में और इसे कुछ देर तक फ्राई कर लेंगे। सभी को एक अच्छी सा कलर आ जाए गोल्डन, तब तक इसे भूंज लेंगे। अच्छी तरह से सब गरम मसाला चटक गया, अब डाल देते हैं वाइट कटा हुआ 1 बड़ा प्याज डालेंगे और इसे एकदम मतलब ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे, गोल्डन गुलाबी नहीं चलेगा, इसमें एक अच्छा सा कलर आना चाहिए प्याज से, बिरयानी में बहुत ज़रूरी है। इसी तरह लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे प्याज को, लो पे नहीं भूंजेंगे, लो टू मीडियम में भूंजेंगे। देख सकते हैं कलर आ गया है प्याज पे अच्छा सा। अब इसे में डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन चला जाए।
अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालें, टेस्ट के अनुसार ही डालें। अब टेस्ट के अनुसार डालेंगे नमक, ऐसे भूंज लेंगे। इसी वक्त डालेंगे टमाटर का प्यूरी, टमाटर प्यूरी इसी टाइम डाल देंगे और थोड़ा सा डाल देंगे धनिया पाउडर। सभी मसाले साथ में टमाटर प्यूरी सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ, लंबे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, हरी से भी साथ में भून लेते हैं। अब यहाँ डाल देते हैं फेटा हुआ दही। इस वक्त गैस का फ्लेम लो रखें, नहीं तो तेज़ फ्लेम में दही फट जा सकती है, इसलिए गैस का फ्लेम लो रखना है जब दही डालें। देख सकते हैं एक जरा सा भी नहीं फटा, दही आराम से मिल गया। अब गैस का फ्लेम तेज़ करते हैं भूनने समय। बहुत अच्छा से मसाला भून गया सभी। मसाला एकदम अच्छी तरह से भूनना चाहिए, देख सकते हैं कितना अच्छा से भून रहा है मसाला। अब इसमें डालेंगे पानी। इसी कटोरी से चावल लिए थे एक कटोरी, तो इसी कटोरी से पानी डालेंगे दो कटोरी, क्योंकि कढ़ाई में बना रहे बिरयानी इसलिए दो कटोरी डालेंगे। अगर आप कुकर में बनाते हैं तो आप इसे सवा कटोरी डालिएगा। कुकर में सवा कटोरी डालना है, कढ़ाई में बनाने के वक्त दो कटोरी डबल डालना है कढ़ाई में। अच्छी तरह से मसाला और पानी को मिला लेंगे। अब आट डाल देते हैं एक चुटकी मेथी पत्ता। अब आधे चम्मच के करीब डालेंगे गरम मसाला। अब डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सभी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं गुलाब जल, फ्लेवर के लिए गुलाब जल या फिर केवड़ा वाटर मिलाए। इसे बिरयानी में बहुत अच्छा खुशबू आता है, अगर है तो मिलाए वरना छोड़ दें। अब डाल देंगे अंडा और जो आलू भी डाल देंगे इस वक्त। इसे उबलने देते हैं, एक उबाल आएगा तभी चावल डालेंगे। देख सकते हैं अच्छी तरह से उबलने लगा ग्रेवी। अब इसमें डालेंगे चावल जो धो के रखे थे, चावल डाल देते हैं इसमें। इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं एक बार, आराम से चलाएंगे। अंडा नहीं तो टूट जाएगा क्योंकि उबला हुआ है। ऐसे कवर कर देते हैं, 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम में पका लेंगे इसे। देख सकते हैं एकदम खिला खिला बना हुआ, एक दाना भी चिपका हुआ नहीं है। अभी तो बहुत गर्म है, इस वजह से अभी पूरा
मतलब हल्का सा नमी है इसमें, और जैसे हल्का सा सूख जाएगा ये इसका मॉइस्चर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ, देखने में लग रहा है ना अच्छा, नहीं खाने में अच्छा लगता है ये। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। एकदम दाना दाना खिला खिला बना हुआ है। चलिए बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। यहाँ मैं निकाल दे रही हूँ बिरयानी को। साथ में निकालेंगे रायता। अब कुछ टुकड़ा रख देंगे प्याज का, ये रेडी हो गया खाने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की इजी और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। तब तक आपसे लेती हूँ विदा। बाय बाय।